लखनऊ में पिता की जयंती कार्यक्रम पर आमने सामने हुई पल्लवी पटेल और अनुप्रिया पटेल, एक ही जगह कार्यक्रम करने पर दोनों अड़ी। कल लखनऊ में सोनेलाल की जयंती पर होना है कार्यक्रम। ज्ञानवापी मामले में वाराणसी कोर्ट का बड़ा फैसला, शिवलिंग को क्षति पहुंचाने के आरोप में मुकदमा दर्ज करने वाली याचिका खारिज। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी पर FIR दर्ज करने की थी मांग। 3 दिनों के गुजरात दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह, अहमदाबाद के नवापुरा में ओवरब्रिज समेत कई परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। यूपी को 25 नए फायर स्टेशनों की सीएम योगी ने दी सौगात, कहा कई क्षेत्र अग्निशमन सुविधा से थे उपेक्षित। आगरा की ब्लॉगर मर्डर केस से जुड़ा शिकायती पत्र आया सामने, मृतिका ऋतिका की हैंड राइटिंग में लिखा शिकायती पत्र, फिरोजाबाद SSP के नाम लिखा था पत्र। उत्तराखंड विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं संघ की बैठक, बोले कांग्रेस ने हमेशा राजनीति से ऊपर उठकर किया काम, बीजेपी की कथनी और करनी में है अंतर। बजट के अभाव में अल्मोड़ा के मनरेगा से जुड़े लोगों का नहीं हो पा रहा भुगतान, केंद्र ने दिए 250 करोड़ रुपए का फंड, जल्द दूर हो सकती है मनरेगा के श्रमिकों की समस्या। जालौन में गैंगस्टर्स पर पुलिस ने कसी नकेल, 2 आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने बरामद किया अवैध तमंचा और जिंदा कारतूस, लंबे समय से फरार थे दोनों आरोपी। अलीगढ़ में युवक ने फांसी के फंदे से लटक कर दी जान, खुदकुशी की जताई जा रही है आशंका, वजह स्पष्ट नहीं, मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। श्रावस्ती में पारिवारिक कलह में युवक की गई जान, नहर में कूदे युवक, कई घंटों बाद बरामद हुआ शव, गोताखोर टीम की मशक्कत के बाद नहर से निकाला गया शव। बांदा में जमीन के विवाद में चली गोली, छोटे भाई ने बड़े भाई को मारी गोली, गोली लगने से शख्स जख्मी। रायबरेली में गैंगस्टर के आरोपी फैजान की संपत्ति कुर्क, 11 करोड़ 30 लाख की संपत्ति पुलिस ने की कुर्क, पत्नी संग गैंग बनाकर अवैध तरीके से धन कमाने का आरोप, कई दुकानों को भी पुलिस ने सील किया। सीतापुर में भूमाफिया, रमन सानी की संपत्ति कुर्क, प्रशासन ने 6 करोड़ 50 लाख की संपत्ति कुर्क की। संभल में DM के आदेश पर गैंगस्टर शाकिर की संपत्ति कुर्क, ढोल नगाड़ों के साथ पहुंचकर पुलिस ने कुर्क की शाकिर की 1 करोड़ की प्रॉपर्टी। जालौन में जुआरियों पर पुलिस का शिकंजा, 5 को पुलिस ने गिरफ्तार किया, 5 हुए फरार, 7 बाइक, 4 फोन और नगद कैश बरामद। नूपुर पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद अखिलेश यादव ने किया ट्वीट, लिखा सिर्फ मुंह को नहीं शरीर को भी मांगनी चाहिए माफी, देश में अशांति और सौहार्द बिगाड़ने की मिलनी चाहिए सजा। नूपुर शर्मा पर सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी पर BSP सुप्रीमो मायावती का ट्वीट, लिखा सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड देश को सांप्रदायिकता की आग में झोंककर अपनी राजनीति चमकाने वालों के लिए सबक। नूपुर शर्मा पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद गरमाई सियासत, सपा नेता आजम खान ने कहा सरकारों के जुल्म के हाथ को रोकने के लिए सिर्फ अदालत होती है, देश को न्याय की बहुत जरूरत। सीएम योगी ने गोरखपुर से की संचारी रोग अभियान की शुरुआत, इंसेफ्लाइटिस डेंगू जैसी संक्रमक बीमारी के खिलाफ पूरे प्रदेश में अभियान। यूपी के 5 छोटे एयरपोर्ट का संचालन और रखरखाव करेगा AAI, सीएम योगी की मौजूदगी में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ साइन हुआ MOU। पैगंबर पर टिप्पणी मामले में नूपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार, सुप्रीम कोर्ट ने कहा पूरे देश से माफी मांगे नूपुर शर्मा।